नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के इंडिजिनस स्नाइपर राइफल्स के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ये स्नाइपर राइफल्स बेंगलोर बेस्ड एक प्राइवेट फर्म ने बनाया है और ये प्राइवेट फर्म है टम्प स्केल सोमपा डिफेंस, SSS डिफेंस। तो जी हां दोस्तों, ये कंपनी एक बेंगलोर बेस्ड डिफेंस कंपनी है जो कि इंडिया में तकरीबन 70 सालों से इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग को करते हुए आ रही है। और अभी तक जो भी ब्रिटिश और यूएस फोर्सेस थे और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी राइफल्स की, तो उनके लिए ये मैन्युफैक्चर कर रही थी। और इसके दो पार्टनर्स हैं इसमें, और वो पार्टनर्स है यूएस कंपनी लेविस मशीन एंड टूल कंपनी LMT, वहीं पे एक और यूएस बेस्ड कंपनी इसकी पार्टनर है और वो है CBC डिफेंस। तो इन दोनों के साथ बहुत दिनों से काम करने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस के बाद, इन्होंने अपना एक इंडिजिनस स्नाइपर राइफल डिजाइन और डेवलप किया है, जो कि ये प्रोडक्ट्स प्रीवियस बना रहे थे LMT और CBC के लिए, तो उन्हीं प्रोडक्ट के डिजाइन से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये इनका कम्प्लीटली अपना डिजाइन है। और इस कंपनी की CEO की माने विवेक कृष्णन की, तो उनका मानना यह है कि उन्होंने इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया है स्नाइपर राइफल। हमने किसी भी प्रकार का कोई भी असेंबली पार्ट्स बाहर से नहीं मंगवाए हैं। और CEO का मानना यह है कि उनकी कंपनी सिर्फ वेपन ऑफर नहीं कर रही है, उनकी कंपनी इस वेपन के साथ जो भी एम्यूनिशन है और कंप्लीट सॉल्यूशन वो सभी ऑफर करेगी। और वो इसके अभी एक्सपोर्ट को लेके भी मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इस कंपनी के CEO का मानना यह है कि इनका राइफल अब यूजर ट्रायल के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने इस राइफल को अमेरिका भेजा था और वहां के सभी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को इसने कम्प्लीटली मैट किया है। आपको बता दूं, अभी इस तरह के जो भी राइफल्स हैं वो अभी इंडियन आर्मी डिफरेंट फॉरेन फॉर्म से खरीदती है। और इंडियन आर्मी के लिए जो स्नाइपर राइफल अक्वायर किए जाने हैं, और इस कंपटीशन में तकरीबन 20 कंपनियां थी और ये डील भी डिले हो गई है। और इन सभी 20 कंपनियों में से किसी ने भी अम्यूनिशन का पैकेज ऑफर नहीं किया है। ये हमारी सिंगल इंडिजिनस ऐसी कंपनी है जो कि अम्यूनिशन और सॉल्यूशन दोनों ऑफर कर रही है। जहां तक बात है SSS डिफेंस की, तो इसके जो दो राइफल हैं, वो आपका पहला है वाइपर, जो कि बुलेट डायमीटर 0.308 का ऑफर कर रहा है, और इसका जो कार्टेज है वो 7.62x51mm की है। और CEO का मानना यह है कि वाइपर ने अपने फुल रेंज को तकरीबन 1000 मीटर को एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। वहीं पे वाइपर के बारे में अभी और बात करते हो, तो इसको ऑपरेट किया जाता है डायरेक्ट कैश या फिर रोटरी बोल्ट से। इसका एम्प्टी वेट 4.62 kg है, जबकि ओवरऑल लेंथ 965mm की है एक्सटेंडेड लेंथ। जहां तक बात करते हो फोर साइड की, तो फोर साइड के लिए ये डिटैचेबल और पोस्ट एडजस्टेबल दोनों ऑप्शन ऑफर करता है। बात करते हो रियर साइड की, तो रियर साइड के लिए ये A2 एडजस्टेबल डिटैचेबल, उसके साथ साथ एलिवेशन एंड विंडेज एडजस्टमेंट भी ऑफर करता है। इसकी मैगजीन की कैपेसिटी 20 राउंड की है और इसकी फिनिशिंग एनोडाइज एल्यूमिनियम और फॉस्फेट स्टील के साथ की गई है। जहां तक बात है बैरल की, जो कि 508mm का है, तो वो एक क्रोम और स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। बात करते हैं बट स्टॉक की, तो वो एक SOP मॉड बट स्टॉक है। अब बात करते हैं फायर कंट्रोल की, तो इसमें फायर कंट्रोल के लिए सेफ्टी सेमी ऑप्शन अवेलेबल है और इसके फील्ड मेंटेनेंस के लिए कोई स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थी इस कंपनी द्वारा बनाए गए वाइपर राइफल की। अगर आप बात करते हो सेकेंड राइफल, सेबर के नाम से बताया जाता है और ये एक 0.338 लैपुआ मैग्नम कार्टेज के साथ आता है। और इस राइफल ने अपनी एक्यूरेसी को 1500 मीटर तक फायर करके प्रूफ किया है एक्यूरेटली। और इनके जो मिनट ऑफ एंगल है, जिसके अंतर्गत किसी भी राइफल की एक्यूरेसी को मेजर किया जाता है, तो वो नंबर इन राइफल्स के लिए बेस्ट है इस क्लास में, ऐसा मानना है इस कंपनी के CEO का। अगर आप इनके सेकेंड राइफल सेबर की बात करते हो, तो सेबर ऑपरेट होता है डायरेक्ट इम्पिंजमेंट से, और अभी इसकी रियर साइड और फोर साइड डिसाइड नहीं हुई है। इसका एम्प्टी वेट 6.62 kg है, मैगजीन 10 राउंड कैरी करने में सक्षम है, तो टेक्निकली ये एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल है। और इसमें भी इसकी फिनिशिंग है वो एनोडाइज्ड एल्युमिनियम और फॉस्फेट स्टील के साथ की गई है। बैरल की लेंथ 686mm है। तो अगर एक स्नाइपर राइफल की कैटेगरी में देखते हो, तो ये वन ऑफ द लाइटेस्ट राइफल में जरूर आएगा। और इसी बारे में बात करते हुए इस कंपनी के CEO ने बताया कि ये राइफल्स डिफरेंट टेम्परेचर्स में भी ऑपरेट करने में सक्षम है, हॉट या कोल्ड, हर वेदर में, और इनको लो मेंटेनेंस चाहिए होती है। और वहीं पे ये राइफल्स एडजस्टेबल शोल्डर स्टॉक के साथ आते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे बताया है, जो कि इंडियन आर्मी के लिहाज से बहुत यूजफुल प्रूफ होने वाले हैं। और अभी तक इस कंपनी ने तकरीबन 20 करोड़ इस तरह के डिफरेंट स्मॉल आर्म्स, ऑप्टिक्स और अम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करने में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये पहले दिन से ही तकरीबन 50,000 आर्म्स पर एनम मैन्युफैक्चर करने में कैपेबल होंगे। और इसकी कैपेसिटी को ये तकरीबन 45,000 पर एनम मैन्युफैक्चर करने की प्लान कर रहे हैं अपने सेकंड फेज में, जो कि 2022 से स्टार्ट होगा। वैसे तो ये कंपनी डिफरेंट तरह के ये गन्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ये एक्सपोर्ट करती हुई आ रही है, जैसे कि 9mm 7.62x39, 7.62x51, 0.338 लैपुआ और 12.7mm। तो इनको ये एक्सपोर्ट करती हुई आ रही है अभी इंटरनेशनल मार्केट में। और इन राइफल्स को ये इंडियन आर्मी को यूजर ट्रायल के अंतर्गत ऑफर करने के लिए भी तैयार हैं, और होपफुल हैं कि इंडियन आर्मी के लिए जो स्नाइपर राइफल खरीदे जाने हैं, उस कंपटीशन में इन्हें भी प्रेफरेंस मिले। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी, गिव अस अ लाइक।
डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब. जय हिंद.